नमस्कार मित्रों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास ये स्टेज है और यहाँ पे ये डायमंड है। डायमंड की जो इम्प्योरिटीज़ है वो हमने कलेक्ट कर ली है, यानी कि जो हम कहते हैं कि गैलेक्सी मोशन आता है वो डायमंड के भीतर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो हमें कैचअप करके देता है। यहाँ पे मैं टैप का यूज़ करता हूँ। टैप यानी कि टैप में जब प्रेस करूँगा एक बार तो इंक्लूजन आ जाएंगे, दूसरी बार करता हूँ तो इंक्लूजन चले जाएंगे और डायमंड है वो आपको ऐसा दिखाई देगा। अभी मैं फिर से एक बार टैप का यूज़ करता हूँ तो आप देखिए कैसा दिखाई दे रहा है डायमंड। देखा तो ऐसे डायमंड में जो इंक्लूजन है वो सारे के सारे डायमंड के भीतर आ जाते हैं। अभी ये मैंने एक डायमंड है वो ओपन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 61 सेंट का डायमंड है और 8 दोरा हम कहते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप कह दे ये डायमंड का वेट 62 सेंट का डायमंड है और 62 सेंट का डायमंड हम कह सकते हैं और 0.62 कैरेट का डायमंड कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लीजिए ले लेते हैं यहाँ पे राउंड और यहाँ पे भी राउंड। अभी यहाँ पे पार्ट प्लानिंग है, ए और बी है। अभी पार्ट प्लानिंग क्या आता है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये डायमंड है तो मैं पहले सबसे पहले आपको दिखा दूँ इंक्लूजन के भीतर डायमंड कैसा है। ओरिजिनल डायमंड अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा व्यू ऑल सेट्स, तो उस पर क्लिक कीजिए। व्यू ऑल सेट्स करेंगे तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल डायमंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखा, ये जो डायमंड है वो ओरिजिनल डायमंड है, इसके भीतर इम्प्योरिटीज़ है वो सारी की सारी हमने कैचअप कर ली है। हमने यानी कि गैलेक्सी मशीन है उसने कैचअप कर ली है। देखिए यहाँ पे मैं ये इंक्लूजन कैचअप करता हूँ और आप देख सकते हैं, देखा आपने कैसे परफेक्टली जो इम्प्योरिटीज़ है वो मशीन ने कैचअप कर ली है। इसलिए जो डायमंड है आपके पास जो भी आते हैं गैलेक्सी होने के लिए वो सबसे पहले ऐसा डोपिंग होता है, डायमंड है उसमें ऐसा डोपिंग हुआ है और उसके बाद डायमंड के भीतर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो मशीन ने हमें कैचअप करके दी है। अभी ये डायमंड है उसमें हम इम्प्योरिटीज़ वाइज इसका जो जैसा भी डायमंड है उसका प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग का संपूर्ण नॉलेज यानी कि टोटली डायमंड का प्लानिंग कैसे होता है, क्यूसी कैसे होता है, क्यूसी की प्रोसेस तो हमने प्रीवियस देख ली, काफ़ी सारे जो देख लीजिए यहाँ पे चार्टिंग ऑप्शन है उसमें टोटली क्यूसी होता है। हमारे पास पीक्यू ऑप्शन है, 3D है, स्किन है और ग्रुप है। पीक्यू का क्या यूज़ होता है, कोई भी डायमंड के भीतर भैया मान लीजिए कि कोई पिन पॉइंट नाश है या फिर फुंगी है, छोटी वाली फुंगी है, पानी की हम कह सकते हैं वाटर की फुंगी है, तो उसके लिए हम पीक्यू का ऑप्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद 3D है, कोई 3D कोई भी कसर है, इम्प्योरिटीज़ है डायमंड के भीतर कैसी भी होगी तो उसे हमें कैचअप करने के लिए 3D ऑप्शन का यूज़ करना है। 3D का करेंगे, एड इंक्लूजन देंगे, न्यू प्लॉट देंगे, एंड प्लॉट देंगे और डायमंड में फिर से उसको रोटेट करके न्यू प्लॉट एंड प्लॉट, और उसके बाद 3 बार हम ऐसा करेंगे तो डायमंड की जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो हम कैचअप कर सकते हैं। तो ये 3D का यूज़ हो गया। उसके बाद स्किन है, डायमंड के भीतर भैया 2D में ही उसमें यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये इम्प्योरिटीज़ है वो हमें कैचअप करनी है तो हम स्किन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमंड के स्किन पे है तो उसका हम स्किन में यूज़ कर सकते हैं। उसका स्प्लिट भी, इंक्लूजन डिटेल भी हमें मिल सकती है यहाँ पे देखिए। तो ऐसे सारे के सारे ऑप्शन है वो PQ 3D स्किन उसका यूज़ हम करते हैं डायमंड में कोई भी इम्प्योरिटीज़ रखने के लिए या फिर उसका QC क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, और क्वालिटी चेकिंग भी हम कहते हैं उसको। और यहाँ पे आपको चौथा ऑप्शन जो ग्रुप का ऑप्शन है वो जनरली यूज़ नहीं होता है, लेकिन ग्रुप है उसका यूज़ कैसे होगा कि डायमंड के भीतर भैया देख लीजिए कि हम इसमें कोई भी हमें ग्रुप का यूज़ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसमें भैया हमें डायमंड में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उसको हम कैचअप कर सकते हैं एड इंक्लूजन देके। देखा, आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और उसमें आपको जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो आप रख सकते हैं। तो जनरली इस ग्रुप का यूज़ तो कोई बंदा नहीं करता, लेकिन ये जो PQ है, 3D है और स्किन है उसका यूज़ हमें लगातार करना है। तो ये बात हो गई QC की। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया। अभी हम प्लान की ओर आगे बढ़ते हैं। प्लान क्या आता है डायमंड के भीतर भैया, ये डायमंड है उसमें प्लान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। डायमंड में जितना भी प्लान है वो परफेक्ट है
तो ऑब्वियसली आपका जो प्राइस लिस्ट है वो भी बढ़िया आएगा। यहाँ पे हमने भाई GIA हम रख देते हैं, यहाँ पे एक्सेलेंट कट GIA एक्सेलेंट कट सिमेंट्री 180 डिग्री, ओके। और यहाँ पे हम फिक्स, हमें मान लीजिए कि यहाँ पे हमें डायमंड फिक्स 1.05 कैरेट का बिठाना है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा वाला डायमंड है 1 कैरेट का, और उसके भीतर से आपको 30-30 सेंट या फिर आपको 15-15 सेंट के डायमंड ही चाहिए, तो यहाँ पे आप सेट करके मान लीजिए 0 पॉइंट में यहाँ पे रख देता हूँ। मैं इसमें छोटा वाला है तो मैं यहाँ पे 10 सेंट का डायमंड रख देता हूँ, ओके। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे होता है, 0.10 यानी कि 10 सेंट नहीं आया भैया, 10 सेंट का डायमंड ही हमें रखना है, तो यहाँ पे हम उसको 10 सेंट बना सकते हैं। देख लीजिए हो गया ये 10 सेंट का डायमंड, और उसमें मैं निकेबल बिठाता हूँ। अब देखना हमें कैसा डायमंड मिलता है, डायमंड 10 सेंट का ही होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे हमें 10 सेंट का ही डायमंड मिलेगा, कोई भी डायमंड इम्प्योरिटीज मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी आएगी। देखिए ये इम्प्योरिटीज है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है चेंज पॉलिश डिस्प्ले ऑन वीडियो, तो यहाँ पे डायमंड आ गया। और देखिए ये डायमंड है वो 10 सेंट का ही बिठा, यहाँ पे आपको मिल गया 10 सेंट का, यहाँ पे हमने फिक्स किया है। तो ऐसे आप फिक्स कर सकते हो और अपने हिसाब से डायमंड बना सकते हो, ओके। तो ये हो गया एक सिंपल सा स्टेप। यहाँ पे हम एक्यूरेट है, फुल एक्यूरेट है, क्लिक टू एलोकेट, देखिए यहाँ पे क्लिक टू एलोकेट इन सिलेक्टेड पार्ट, तो यहाँ पे हम सिलेक्टेड जो करेंगे पार्ट उसमें ही प्लानिंग होगा। अगर वॉल आपने कर दिया तो उसमें पूरा का पूरा डायमंड में ही प्लानिंग होगा, तो इतना भी ये जो ऑप्शन है वो भी काफ़ी बढ़िया है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। अभी ये प्लान मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, प्लान हो गया डिलीट। अभी ये डायमंड है उसके भीतर हमें तो प्लानिंग में ही आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, इसमें आप 2-3 प्रकार के प्लानिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई भी प्लानिंग कीजिए तो भी बढ़िया रहेगा। डायमंड है वो ही आपको बताएगा भैया मैं चोखा हूँ या फिर मेरे में इम्प्योरिटीज़ काफ़ी कम है, तो मुझे प्योरिटी वाइज ले लीजिए, तो प्योरिटी वाइज भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। अभी इसमें देखिए कि मैं चेंज पार्ट इंक्लूजन स्टेट सब इग्नोर कर देता हूँ, यानी कि इसमें मैं जब मेकेबल बिठाऊँगा तो आप देख सकते हैं इसका रिफ्लेक्शन आएगा वो कैसा आएगा। अभी मैंने मेकेबल बिठाया है और मेकेबल बिट गया, अब मैं इंक्लूजन रिफ्लेक्शन का मैं यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डायमंड है उसके भीतर इम्प्योरिटीज सारी की सारी आ गई। अभी ये डायमंड है उसमें जो यहाँ पे आप टेबल देख रहे हैं ना वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि डायमंड जब आप देखेंगे तो सबसे पहले उसका टेबल देखेंगे, तो टेबल में इम्प्योरिटीज़ है तो भैया ये नहीं चलेगी, ये टेबल की इम्प्योरिटीज़ नहीं चलेगी। यहाँ पे जो साइड के पोर्शन में इम्प्योरिटीज़ है उसमें एक धार पे आ जाती है तो ये भी इम्प्योरिटीज़ नहीं चलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर से देखेंगे तो ये आपको जो पोर्शन दिखेगा वो काफ़ी भैया एक लाइन ही दिखेगी, ठीक है। तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ चलेगी, अगर आपको इम्प्योरिटीज़ वाइज भैया प्लानिंग करना है तो ऐसे आप कुछ हम कहते हैं ना कि कुछ ऐसा कुछ क्रैक है, कुछ ऐसा फिदर क्रैक है तो वो चलेगा, लेकिन वो भी काफ़ी बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बढ़िया तो होती ही नहीं कोई भी क्रैक। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये दिखना है कि भैया ये नहीं चलेगा तो इसका क्या करेंगे, इसका हम यूज़ कर देंगे, ये भी हम यूज़ कर देंगे, यूज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम ये ऑप्शन भी है तो ये एक साथ ही कर देते हैं, यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी नहीं चलेगा तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। आपको एक एक डायमंड है, एक एक इम्प्योरिटीज़ है, उसको यूज़ करके भी आप मेकेबल बिठा सकते हैं। चलिए देखिए मैं फिर से यहाँ पे मेकेबल बिठाता हूँ, अब इम्प्योरिटीज़ कैसी आएगी भैया कुछ पता नहीं, लेकिन हम देखेंगे डायमंड कैसा मिलेगा। वाह, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमंड है काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 सेंट का डायमंड हमें मिलता है। अभी भैया 15 सेंट का डायमंड मिल गया तो बढ़िया ही है, इसमें आप आगे कुछ कर सकते हैं, लाइक इसका जो कलर है वो तो मुझे मालूम है एज कलर का ये डायमंड है, तो एज कलर रख दिया। और इसकी इम्प्योरिटीज प्योरिटी वाइज आप देखेंगे तो यहाँ पे भैया थोड़ी सी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ है, तो हम क्या करेंगे,
अगर इसमें यूज़ करके एक बार मेकेबल बिठा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर जो बढ़िया वाला डायमंड मिल गया तो ऑब्वियसली हम वो ही लेंगे, लेकिन 15 सेंट आना चाहिए, वो हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। अभी देखिए इसमें तो भैया एक दोरा तो ज़्यादा आ गया, लेकिन इम्प्योरिटीज काफ़ी बढ़िया आई, देखा आपने। तो ये मैं फाइनल करूँगा, ये भैया मैं क्यों करूँ, क्योंकि इसमें एक दोरा मुझे ज़्यादा मिलता है और बढ़िया वाला डायमंड मिलता है। कंपेरिजन ये देखिए, इसमें यहाँ इम्प्योरिटीज़ रही, इसमें नहीं रही, तो भैया ये डायमंड ये सारे के सिलेक्टेड मैं करूँगा, वो तो मैं डिलीट ही मार दूँगा। ये है, ये है, ये प्लान सिलेक्टेड, डिलीट सिलेक्टेड, ओके, डिलीट सिलेक्टेड और यस, तो वो दोनों मैंने डिलीट मार दिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायमंड है परफेक्टली, भैया मुझे ये ही डायमंड लेना है। तो ये हो गया मेन पीस डायमंड में, जब आप कोई भी डायमंड बिठाएंगे तो उसमें मेन पीस रहेगा, इससे बड़ा वाला डायमंड हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें मेकेबल हमने बिठाया है और ये मेन पीस है। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे, क्योंकि हमने सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ इसमें यूज़ कर ली है, देखा आपने कि इम्प्योरिटीज़ है वो सारी की सारी हमने ऐड कर ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सोलेस एलोकेशन का यूज़ करेंगे। सोलेस एलोकेशन एक ऑप्शन है जिसका मैं यूज़ यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। सोलेस एलोकेशन मैंने यूज़ किया है, अब जो दूसरा डायमंड है वो बिठेगा। अभी दूसरे डायमंड में हमें प्लानिंग करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा डायमंड है वो यहाँ पे बिठ गया है, ठीक है। अभी ये दूसरा डायमंड है भैया, उसकी मुझे इंप्रेशन रिफ्लेक्शन देखना है, तो कैसे देख सकता हूँ, यहाँ पे आप एरा देख रहे हैं, ये जो एरो है वह यहाँ पे है। अभी मैं मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एरो है, तो इसका ही मुझे इंक्लूजन रिफ्लेक्शन मिलेगा। अभी क्यों इसका नहीं मिला, क्योंकि एरो वहाँ पे था फिर भी नहीं मिला, तो भैया आपको डायमंड है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये मैंने रफ पोर्शन ही सिर्फ सिलेक्ट की है, उसमें मुझे ये भी सिलेक्ट करना है। अभी मान लीजिए ये सिलेक्ट कर दिया, ए भी दोनों है, इसको भी मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अभी मैं इंक्लूजन रिफ्लेक्शन देखता हूँ तो किसका दिखाई देगा, जो सिलेक्टेड है उसका ही। तो आपको मालूम हो गया कि डायमंड है उसमें मुझे इंक्लूजन रिफ्लेक्शन देखना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके भीतर जो भी मैंने सिलेक्ट किया है, अगर मैंने ये सिलेक्ट किया है तो उसका मुझे इंक्लूजन रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी देखिए मैंने ये सिलेक्ट कर दिया तो इसका मुझे इंक्लूजन रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। अभी मान लीजिए इसका तो हमें प्लानिंग करना है, 8 सेंट का डायमंड हमें मिलता है, अभी इसका हम इंक्लूजन रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भैया इसमें तो इम्प्योरिटीज़ तो भाई क्यूलेट में आ गई, तो क्यूलेट में इम्प्योरिटीज़ नहीं चलेगी। यहाँ पे गर्डल है तो गर्डल में भी इम्प्योरिटीज़ आ गई, तो ये भी इम्प्योरिटीज़ नहीं चलेगी। तो ये दोनों इम्प्योरिटीज़ हमें रिमूव करनी है, उसके बाद ही हम डायमंड का प्लानिंग बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसका यूज़ कर देंगे, यहाँ पे टिक में, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्लूजन है, रिफ्लेक्शन भी हमें दिखाई देगा। इसका आपको इंक्लूजन रिफ्लेक्शन दिखना है कि कैसा डायमंड दिखेगा, तो चलो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको राइट क्लिक और शो ऑल रिफ्लेक्शन आपको यूज़ करना है। देखिए डायमंड है वो भपका, ऐसा अगर पॉलिश आ गया तो ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। देखिए टेबल में से ही देखिए कितना भपका दिखाएगा आपको, देखिए यहाँ पे सारे के सारे रिफ्लेक्शन है वो डायमंड के भीतर रहेगा। अभी मैं उसको आपको कलर में कर देता हूँ, देखिए कलर में भी आप देख सकते हैं कैसा इंक्लूजन रिफ्लेक्शन रहेगा। ये सारी इम्प्योरिटीज़ है इसमें भैया, जब भी रेज इंक्लूड होगा तब ऐसे रिफ्लेक्शन है वो आपको दिखाई ही देंगे। तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्शन है वो हमें रिमूव करना है, दूर करना है, तो ही डायमंड का परफेक्टली प्लानिंग हो सकेगा। तो चलिए इसको हम फिर से कैंसिल कर देते हैं, आपको ये भी डायमंड में डिलीट करके बताता हूँ कैसे होता है प्लानिंग। चलो ये डिलीट हो गया, चलिए मैं फिर से आपको ये सारे के सारे डिलीट ही कर देता हूँ। लेकिन हमने जो इंक्लूजन स्टेट रखे हैं वो तो भैया वैसे ही रहेंगे, जिसका मैंने यूज़ किया है वो यूज़ ही रहेगा, जिसका मैंने भैया इग्नोर किया है वो इग्नोर ही रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी नीले वाले, यहाँ पे ग्रीन वाले हैं वो यूज़ है, वो इम्प्योरिटीज़ डायमंड के भीतर नहीं चलेगी। और ये जो इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे देख रहे हैं वो कहीं पे भी आ सकती है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेकेबल बिठाऊँगा, हम थोड़ा फास्ट जाते हैं यहाँ से। मेकेबल बिठा दिया, डायमंड देखना है डायमंड कैसा है। ओके भैया, तो यहाँ पे आपको डायमंड दिखाई दे रहा होगा। अब इसका हम इंक्लूजन रिफ्लेक्शन देखते हैं,
तो भैया ये तो बहुत बेहतरीन और बढ़िया वाला डायमंड मुझे मिल गया है। ये डायमंड तो मेरा फाइनलाइज ही है। उसके बाद सोलेस एलोकेशन का मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सोलेस एलोकेशन, उसका मैंने यूज़ कर दिया। चलो देखते हैं दूसरा डायमंड है वो कितने सेंट का आता है। तो हमने अप्रोक्सीमेटली 8 सेंट का तो देखा ही था, यहाँ पे 8 सेंट जैसा कुछ डायमंड आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैं ये डायमंड है वो मुझे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं उसका इंक्लूजन रिफ्लेक्शन देख सकता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इंक्लूजन रिफ्लेक्शन है वो कैसा आ रहा है। अभी भैया इसमें तो इंक्लूजन भाई क्लियोलेट में है तो मैं उसको यूज़ कर देता हूँ। दूसरा भी है उसको भी मैं यूज़ कर देता हूँ। यूज़ मैंने कर दिया है डायमंड में जो क्यूलेट में है वो अब नहीं आएगा। इसकी जो पोजीशन है वो भी चेंज हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि अभी डायमंड कैसा हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया भैया और पार्ट हम बी आप देंगे। यहाँ पे बी पोर्शन में डायमंड बिठेगा तो कैसा बिठेगा हम देखते हैं। उसका हम प्योरिटीज वाइज देखते हैं भैया। यहाँ गर्डल में तो नहीं चलेगा, यूज़ देना ही देना है। और यहाँ पे टेबल पे है, चलिए दूसरी बार दे देंगे। अभी तो हम फिर से पार्ट बी का यूज़ करेंगे। अभी देखते हैं पार्ट बी में कैसा डायमंड मिलता है। देखिए यहाँ से कितने डायमंड में से कितना डायमंड हमें मिल गया है। यहाँ 7.73 दोरा का डायमंड मिल गया है। अभी हम इसका इंफ्लुएंस रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो भैया ये डायमंड है वो आई थिंक बंद करो ना बाबू। तो भैया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डायमंड है उसमें इम्प्योरिटीज़ तो आ गई है। अभी देखिए ये इम्प्योरिटीज़ लेके हम डायमंड बैठाएंगे बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वो हम पे डिपेंड रहता है। क्योंकि ऐसे डायमंड भी अक्सर लोग बना डालते हैं क्योंकि हमें वेटेज हो वो 7 सेंट का डायमंड मिलता है जो एक अच्छा और बढ़िया वाला डायमंड हम कह सकते हैं। अभी ये फाइनल करना है तो यहाँ पे हम इम्प्योरिटीज़ वाइज, यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ आप देख सकते हैं तो कौन सी इम्प्योरिटीज़ आप रखेंगे। क्योंकि आपको अगर मालूम है तो SI1 क्लैरिटी भी इसको आप बोल सकते हैं। डायमंड की जो इम्प्योरिटीज़ है वो SI1 हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके वो हो गई इसकी है। तो इसमें तो हमें चेंज करना है VS2 हम क्लैरिटी रख सकते हैं लेकिन यहाँ पर सारी की सारी क्लैरिटीज़ है वो चेंज हो जाती है। तो अभी देखिए इसका मैं क्या करता हूँ, ये फाइनलाइज में कर देता हूँ। ये डायमंड है इसकी क्लैरिटी हम अपने हिसाब से भी लिख के भी रख सकते हैं। ओके ये डायमंड फाइनलाइज हो गया, ये डायमंड फाइनलाइज हो गया। अभी यहाँ पे हमें और भी जगह है तो ये पोर्शन में सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे पोर्शन एक ही ले लेता हूँ और सोलेस एलोकेशन फिर से मैं यूज़ करता हूँ। अभी देखिए कैसा डायमंड का प्लानिंग है वो बिठेगा। हम 3 सेंट और 4 सेंट के बिलो डायमंड नहीं लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे 4 सेंट का डायमंड हमें दूसरा मिलता है। इसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ रहेगी ही रहेगी, देखते हैं कितनी इम्प्योरिटीज़ है। देखिए यहाँ पे हमें भाई गर्डल में मिलती है तो उसका ही हम यूज़ कर डालते हैं। यहाँ पे भले रही वो हम रहने देते हैं भैया। चलिए तो इसका यूज़ हो गया। अभी क्या करते हैं देखते हैं, ये पोर्शन हम फिर से एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, हो गया। उसके बाद इसमें एक बार फिर पार्ट ए बिठा के हम देख सकते हैं क्या होता है वो हम देखना है हमें। और फिर से हम इंक्लूजन रिफ्लेक्शन देखेंगे तो ये डायमंड है वो भी बढ़िया है, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका मुझे नहीं रखना, फिर से यूज़ करके पार्ट ए ऑप्शन का मैं यूज़ करूँगा। और आप देख सकते हैं कि डायमंड है वो हमें कैसा दिखाई देगा, ठीक है। और फिर से हमने यूज़ कर दिया है। अभी हम फिर से इंक्लूजन रिफ्लेक्शन देखेंगे तो भैया ये तो काफ़ी बढ़िया डायमंड मुझे मिल गया। इसकी क्लैरिटी है 4 सेंट का ही डायमंड है
ठीक है, तो ये मेरा फाइनल हो गया। दूसरा हमने कौन सा फाइनल किया था? 15 सेंट वाला डायमंड हमने फाइनलाइज किया था, वो भी हम ले लेते हैं। उसके बाद कौन सा डायमंड है ये फाइनलाइज, जो तीसरा डायमंड था वो। ओके, तो ये प्लानिंग हो गया। फिर से डायमंड का ये जो प्लानिंग है वो काफ़ी बढ़िया बेहतरीन है, इसको हम फाइनलाइज यूज़ कर सकते हैं, फाइनल इस डायमंड को बना सकते हैं। तो ठीक है, ऐसे ये हो गया और डिलीट ऑल नन सिलेक्टेड और यस हम इसमें प्रोवाइड कर देते हैं, फाइनलाइज हो गया। तो ये डायमंड हो गया अपना फाइनल। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी डायमंड है उसका हम फाइनलाइज सॉल्यूशन कर सकते हैं, डायमंड है उसका जो रिजल्ट है वो हम फाइनल कर सकते हैं। इसमें से हमें 3 डायमंड मिलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमंड कैसे कैसे डायमंड हमें मिलेंगे वो। ओके, ये 3 डायमंड हो गए, अभी इसमें ही हम देखते हैं ये फाइनल डायमंड हमें मिल गए हैं और इसका हमने प्लानिंग कम्प्लीटली कर लिया है। ठीक है, जो मेन पीस है वो हमें 15 सेंट का मिलेगा, जो सेकंड पीस है वो 7 सेंट का मिलेगा और तीसरा जो पीस है वो 4 सेंट का मिलेगा। तो ऐसे डायमंड है वो हमें जनरली अवेलेबल रहेंगे, ये बात हो गई। और यहाँ पे ओरिजिनल डायमंड है उसमें ऐसे बिठेगा और इसकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डायमंड है उसकी क्लैरिटी हमें भैया VS2 मिली है, तो VS2 रख सकते हैं। लेकिन भैया इसमें देखिए रिजल्ट, ओके नो, ये फाइनलाइज हो गया। अभी तो देखिए हमें प्लानिंग है अपना वो मिल गया है, ये फाइनल है, ये फाइनल है, ये फाइनल नहीं है और ये फाइनल है। ठीक है, तो ऐसे हम डायमंड है उसका हम रिजल्ट रख सकते हैं। यस हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, इसमें जो प्लानिंग है वो भी हमने बिठा दिया है। तो वैसे डायमंड है आप प्लानिंग कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए इसमें हमें बिठाना है तो ये सारे के सारे मैं डिलीट कर देता हूँ, हो गया। अभी क्या करेंगे, इसमें पार्ट ए बिठा देंगे, फिर से यहाँ पे हमें फाइनल मिल जाएगा दूसरा है, उसमें पार्ट बी बिठा देंगे, उसमें भी डायमंड है मेन पीस है वो बिठ जाएगा। और यहाँ पे तीसरा जो हमने प्लेट लगाने के बाद यहाँ पे हम पार्ट ए फिर से रख देते हैं, तो ये डायमंड हमें फाइनलाइज सॉल्यूशन में मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसका मैं फाइनलाइज कर देता हूँ, अभी सब हो गया, तो फाइनल मैंने कर दिया, यहाँ पे आप ग्रीन डॉट देख सकते हैं। तो ये डायमंड है वो हमने फाइनलाइज कर दिए है और ये हमारा प्लानिंग हुआ है कम्प्लीट। और ये प्लेट है उसकी साइज़ भी आपको चेंज करनी रहेगी अपने हिसाब से। जनरली लोग है वो 135 भी रखते हैं, 75% भी रखते हैं, माइक्रोन रखते हैं, तो हम उसका अपने हिसाब से वो रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 175 में रख देता हूँ, तो देखते हैं कितनी प्लेट बड़ी वाली मिलती है। तो वैसे डायमंड की प्लेट है वो इतनी झड़ी या बड़ी हो जाएगी, वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, कितनी कट आती है आपको मालूम होगा उसके हिसाब से। तो ऐसे डायमंड है उसकी हम कोई भी इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटीज़ वाइज डायमंड का हम प्लानिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मान लीजिए 2.5 की जनरली हम लेंगे या फिर 3 की प्लेट लेंगे, तो हमें इतने परसेंटेज रखने हैं और उसके बाद उसका प्लानिंग हमें करना है। तो डायमंड का प्लानिंग तो आपने देख ही लिया कहाँ से होगा कैसे होगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी डायमंड है आप प्लानिंग बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ आपके हिसाब से चाहिए बढ़िया तो वैसे भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे सारे के सारे रफ डायमंड्स के जो प्रकार है जितना वेट है वो भी आपको अवेलेबल रहेगा। तो ऐसे डायमंड है उसका हम प्लानिंग जनरली स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डायमंड में जितने भी ऑप्शन है उसका डिफरेंट टाइप्स का यूज़ कैसे होता है, उसका यूज़ करने के बाद हम डायमंड में जो प्लानिंग अपने हिसाब से करना है वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम हो गया है कि भैया ये मैं देखता हूँ, अभी देखते हैं कितने डायमंड बिटते हैं इसमें, हमारे पास फाइनलाइज सॉल्यूशन ही है। लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी बोथ मैंने रख दिए हैं, तो हमें ऐसे डायमंड जनरली सारे के सारे जितनी भी प्लेट है उसमें जितने भी डायमंड बिठेंगे वो हमें मिल सकते हैं सिंगल क्लिक पे।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें सारे के सारे डायमंड फिर से मिल गए, इसको हम फाइनलाइज सॉल्यूशन फिर से दे सकते हैं, और ये हो गया हमारा फाइनल प्लानिंग। तो आपको आई थिंक थोड़ा सा नॉलेज मिल गया होगा कि डायमंड है उसका प्लानिंग कैसे करना है। यहाँ पे कॉपी स्वैप प्लान हम देख सकते हैं कि हमने कितने परसेंटेज 2.60 की प्लेट रखी है इसमें, और इसका भी हम देख सकते हैं कितने माइक्रोन है, 3% की ये प्लेट है। तो वैसे आप अपने हिसाब से सारी की सारी जो ये थिंग है वो रख सकते हैं।